नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ज़िरोडा, जिसे आप सभी अच्छे से जानते हो और पहचानते हो, एक दमदार ब्रोकिंग ऐप है। ज़िरोडा की बात करें तो इनके को फाउंडर हैं नितिन कामत जी, जिनकी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट बयान आते हुए दिखे हैं। अब देखो, ये इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बैठे हैं और बड़े प्लेयर हैं। अब इंडस्ट्री में बैठ के बड़े प्लेयर को क्लियरली दिखता है कि कहां पे ग्रोथ है और कहां पे ग्रोथ नहीं है। अब ये खुद ब्रोकिंग इंडस्ट्री में होने के बावजूद क्या कमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कल रात की ये रिपोर्ट है जहां पे इन्होंने कहा है, नितिन कामत सीज टफ टाइम फॉर ब्रोकिंग इंडस्ट्री, टफ टाइम फॉर ब्रोकिंग इंडस्ट्री एज रेगुलेटर सीक्स टू रीन इन ऑप्शन बूम। तो ये कह रहे हैं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए कठिन समय आता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो सेबी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं कि ज्यादा लॉस हो रहा है, ज्यादा उसे फोकस में ला रहे हैं। अब देखो, इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो डायरेक्टली ये सच बोल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दिमाग ज्यादा लड़ाते हैं, उनके लिए ये भी हो सकता है वो ये सोच लें कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्लेयर ना ब्रोकिंग इंडस्ट्री में उभरे, इसलिए उन्होंने नेगेटिव कमेंट कर दिया है ताकि वो डर जाएं और सुन के ही ना उतरे। तो मेरा मानना क्या है वो समझिए। आपको पहले मैं पूरी डिटेल रिपोर्ट पढ़ता हूं। ज़िरोडा को फाउंडर नितिन कामत ऑन फ्राइडे सेड द ब्रोकिंग इंडस्ट्री माइट बी इन फॉर टफ टाइम इन द कमिंग डेज ड्यू टू रेगुलेटर रिस्क एज सेबी लुक्स टू टाइटन नॉर्म्स इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट। As I have said before, regulatory risk is the biggest risk for any regulated business. Kamat said on social media platform X, yani ki X pe inhone ye sab likha hai jo pehle Twitter tha. The Ziroda chief's statement comes as SEBI chair Madhava Puri Buch said the regulator is taking note of the highly speculative nature of option trading and that it would take action based on the recommendations made by the working committee. We are in the middle of a period of excess in option trading. Volumes in index option have gone up from 4.6 lakh crore in 2018 to 138 lakh crore in 2024. Jump dekho, 2018 mein 4.6 lakh crore option trade hote the. Aaj pata hai kitna hai? 4.6, 46 bhi nahi dosto, 4.6 lakh. आज 138 लाख करोड़, यानी ये मतलब 30-40 टाइम एक्स हो गया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली द शेयर ऑफ रिटेल हैज गॉन अप फ्रॉम 2% टू 41%, कामत सेड। ही एक्नॉलेज्ड दैट द ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर्टिकुलरली ज़िरोडा हैज बीन अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस जंप इन ऑप्शन वॉल्यूम्स। ये क्लियरली, अब देखो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा जंप आया जिससे पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग अस, हमें भी मिला के। लेकिन सेबी जो है वो काफी कंसर्न है ये FNO के बारे में, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा है, और आपको पता है सेबी इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये क्लियरली कह रहे हैं कि जो रेगुलेटर है ना वो एक प्रॉब्लम का विषय बन सकता है कभी भी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे नियम ला सकते हैं जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्री में ग्रोथ कम हो जाए। इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी देख रहे हो, सेबी ने थर्सडे को भी एक मीटिंग करी थी जहां पे उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर वो कह रहे हैं कि बहुत ही स्पेकुलेटिव हो गया है और बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, इसको कैसे भी करके कम करना होगा और ये बहुत ही लॉस मेकिंग है, लोग पैसा उधार लेके ये काम कर रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये उनके खुद के बयान है सेबी चेयरपर्सन माधवा पुरी जी के, कि लोगों के डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो वो नोटिस करते हैं कि कहीं और से लिया, क्रेडिट करा और ऑप्शन में ट्रेड कर लिया ताकि कमा के दे देंगे, लेकिन होता क्या है, लॉस। तो पहली बात उन्होंने क्लियरली बोली, कम से कम उधार लेके तो मत करो ये काम, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लॉस बहुत होते हैं। पहले भी हमने कहा है 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी कमेंट्री में कही थी, बट लोग कहाँ मानने वाले हैं, पूरे दिन बिजनेस चैनल पे ऑप्शन ट्रेड होता रहता है, आप एक्सचेंजेस देख ही रहे हो दिन पे दिन, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहे हैं। अगर लिटरली ऑप्शन ट्रेडिंग को कम करना है तो पहले ये महीने की 4 ट्रेडिंग को वापस से महीने की 1 ऑप्शन ट्रेडिंग बनाओ, जैसे पहले निफ्टी में महीने की 1 एक्सपायरी होती थी, अब 4-4 है तो ऑब्वियस है बढ़ेगा। आप लोगों को नहीं समझा सकते, मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप मत करो ऑप्शन ट्रेड, वो तो करेगा ही करेगा भैया, ये चीज ही ऐसी है, लती ऐसी है, क्या करें।
तो आपको लिटरली कुछ करना है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स कम करना चाहते हो लिटरली, तो ये एक्सपायरी खत्म करो, हर दिन एक्सपायरी है नहीं करो, सारी एक्सपायरी एक ही दिन कर दो, या तो व्यक्ति उसमें कर ले या उसमें कर ले, सब में नहीं करेगा। अभी तो उसे आज एक नई एक्सपायरी मिलती है, कल एक नई एक्सपायरी, परसों नहीं, तो ये सारी जब देख के वो तो लालच में आएगा ही आएगा, तो हीरो जीरो करने चला जाता है। सारी एक्सपायरी एक ही दिन होगी तो उससे, तो पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी एक्सपायरी एक ही दिन तो थी, या तो बंदा पैसा निफ्टी में लगा लेगा या बैंक निफ्टी में, ऐसा तो नहीं है कि दोनों दिन कर पाएगा। अभी तो क्या निफ्टी के लिए वो थर्सडे को जुटा लेता है और वेंसडे को बैंक निफ्टी के लिए जुटा लेता है। तो अगर लिटरली करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, बट इससे अब होगा क्या वो समझो, एकमात्र CDSL को छोड़ दिया जाए, बाकी सबके लिए नेगेटिव है। NSE BSE तो लिस्टेड भी है, आपकी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उनकी कमाई रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो डेफिनेटली रडार पे रहेंगी सेबी के, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट इस प्रकार का कुछ एक्शन होता है तो इनमें भारी गिरावट भी आ सकती है जिसकी उम्मीदें बहुत कम है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।